शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मचारीगण तथा प्यारे छात्र छात्राओं, शिक्षा के क्षेत्र में मिथिला की पहचान अत्यंत प्राचीन काल से है एवं दरभंगा शहर इसकी हृदय स्थली है। अपनी स्थापना के 4-5 दशकों में MLSN कॉलेज ने आधुनिक शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई है। सड़क मार्ग से यातायात की सुगम व्यवस्था एवं दरभंगा रेलवे स्टेशन के निकट अवस्थित होने के कारण यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से छात्र अधिक संख्या में आकर्षित होते हैं। सन 1979 में विद्यापति सेवा संस्थान दरभंगा द्वारा स्थापित महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह स्मारक महाविद्यालय, जिसे आमतौर पर MLSN कॉलेज के नाम से जाना जाता है, अपनी सफलता के नए आयाम गढ़ता चला जा रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अप्रतिम योद्धा महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह की जशोगाथा आधुनिक भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। यह गाथा हमें आज भी संबल प्रदान करती है। अब तक मात्र विश्वविद्यालय स्तर पर दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाता रहा है, इसे विकेंद्रीकृत कर महाविद्यालय स्तर पर आयोजित करवाने की पहल विश्वविद्यालय स्तर से की गई है, जो एक सराहनीय प्रयास है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के मुख्यालय स्थित 5 कॉलेजों ने, जिसमें MLSN कॉलेज भी सम्मिलित है, इसका आयोजन कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आज राज्य में उच्च शिक्षा को एक बार फिर से पटरी पर लाने हेतु राज्य सरकार एवं कुलाधिपति स्तर पर गंभीर प्रयास किए गए हैं। महाविद्यालय स्तरीय दीक्षांत समारोह को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। इससे महाविद्यालयों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित होगी एवं नई ऊर्जा का संचार होगा। महाविद्यालय में विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य एवं सामाजिक विज्ञान संकायों की पढ़ाई होती है। महाविद्यालय में 9000 से ऊपर छात्र नामांकित हैं, जो दरभंगा जिला में सर्वाधिक है। अपनी उत्कृष्ट शिक्षण व्यवस्था को लेकर महाविद्यालय ने ख्याति अर्जित की है, जो OFSS पद्धति के अंतर्गत कॉलेज में नामांकन हेतु इच्छुक ऑनलाइन एप्लीकेंट्स की संख्या से प्रतिबिंबित होती है। विगत 24 मई 2019 को कॉलेज के प्रथम न्यूज बुलेटिन का अपने कार्यालय में लोकार्पण करने के दौरान माननीय कुलपति महोदय ने इस तथ्य का उद्घाटन किया था। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह, प्रतिकुलपति डॉक्टर जयगोपाल एवं कुलसचिव कर्नल निशित कुमार राय ने कॉलेज के अभी हाल में जो न्यूज बुलेटिन हम लोगों ने निकाला है, उसका विमोचन करते हैं, जो अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की, जिसके हेतु हम इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कॉलेज में पूर्व से स्वीकृत 2 नए एड ऑन कोर्सेज, हर्बल फार्मिंग जो वनस्पति विभाग द्वारा संचालित होता है एवं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित होता है, की कक्षाओं का संचालन प्रारंभ हो गया है। हम इस दिशा में भी प्रयासशील हैं, इंडस्ट्रियल फिश और फिशरीज की कक्षाएं फिर से संचालित हों। अभी हाल में पटना स्थित वुमेन्स कॉलेज में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा से अनुदान प्राप्त करने वाले कॉलेजों के प्रधानाचार्य एवं NAC स्टीयरिंग कमेटी के संयोजकों की एक बैठक में रूसा की ओर से NAC एक्रेडिटेड कॉलेजों को अनुदान देने हेतु कार्यशाला का आयोजन हुआ था। यह आशा की जाती है कि शीघ्र ही यह अनुदान प्राप्त होगा एवं कॉलेज के उत्तरी भाग का भी कायाकल्प होगा। कॉलेज के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि 5 विषयों वाणिज्य, हिंदी, समाजशास्त्र, इतिहास, रसायन शास्त्र विषयों में स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने का प्रस्ताव विश्वविद्यालय के सभी निकायों द्वारा पारित होने के बाद राज्य सरकार को भेज दिया गया है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद पढ़ाई प्रारंभ कर दी जाएगी। MLSN कॉलेज का यह सौभाग्य है कि पिछले वर्षों में UGC द्वारा कॉलेज में कुल 45 लघु शोध परियोजनाएं स्वीकृत की गई। कॉलेज के शिक्षकों ने इस दिशा में एक कीर्तिमान स्थापित किया। कॉलेज के शैक्षिक वातावरण का समुचित आकलन कर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने इसे B+, जो कि क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज 2.75 के साथ है, ग्रेड प्रदान किया। उच्च शिक्षा के विकास का एक प्रमुख आयाम इस देश में क्रियाशील स्वयंसेवी संगठनों के साथ कार्य करने से विकसित होता है। महाविद्यालय ने कई संस्थानों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है और IQAC के साथ मिलकर कई सारे कार्यक्रम अभी पिछले वर्ष इस कॉलेज में किए गए हैं। महाविद्यालय के शिक्षकों एवं छात्रों की विशिष्ट उपलब्धियाँ इसे गौरवशाली बनाती हैं। कॉलेज के वरिष्ठतम शिक्षक रसायन शास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र को एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री टीचर्स द्वारा अनुपम सिन्हा बेस्ट केमिस्ट्री टीचर अवार्ड 2018 एवं इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर्स दिल्ली द्वारा मार्च 2019 में बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें विशेषज्ञ के रूप में मनोनीत किया है।
साहित्य अकादमी दिल्ली के मैथिली प्रतिनिधि के रूप में देश के विभिन्न कोनों में साहित्य गतिविधियों का भी संचालन कर रहे हैं। नेशनल ट्रांसमिशन मिशन से ट्रांसलेशन मिशन से इनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। अभी पेरिस में आयोजित होने वाले छठे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इनका शोध पत्र प्रकाशित हुआ है। अपने सामाजिक दायित्व के तहत कॉलेज के रसायन शास्त्र विभाग द्वारा अप्रैल 2018 में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन द्वारा संपोषित एवं एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री टीचर्स मुंबई द्वारा उत्प्रेरित 4 दिवसीय यूसुफ हामिद विज्ञान शिक्षक कार्यशाला का आयोजन किया गया।